पुष्कर की बाहरी सड़कों पर बेधड़क दौड़ती बेकाबू तेज रफ्तार थार जीपें दुर्घटना और मौत का दूसरा पर्याय बन चुकी है। लगातार थोड़े दिनों के अंतराल में हो रही दुर्घटनाओं में आम आदमी में दहशत का माहौल है। ताजा घटना जो है वो थार जीप की टक्कर से एक मासूम और एक शख्स की जान चली गई, उससे जुड़ी है। दरअसल पुष्कर के खरखेड़ी रोड पर बीती शाम तेज रफ्तार और अनियंत्रित दौड़ती जीप ने गलत दिशा में जाकर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अब हादसे में बाइक चालक और उसके 2 साल की भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई और दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार शंकर रावत की पत्नी सपना जो है वो घायल हो गई। धार्मिक नगरी पुष्कर में डिजर्ट सफारी के नाम से दौड़ने वाली जीप काल का दूसरा पर्याय बन चुकी है। बिना परमिट और गैर जिम्मेदाराना तरीके से सैलानियों से चांदी कूट रही ये थार जीप पे पहले भी दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चालान काट कर इतिश्री हो जा रही है। मोटरसाइकिल वाले को रॉन्ग साइड में जाकर के उछाल दिया। उस पर एक बच्ची थी 2-3 साल की और उनके माँ बाप थे। वो तीनों मोटरसाइकिल तो थार जीप के नीचे आ गई और माँ बाप और ये बच्ची तीनों उछल के और झाड़ी में गिर पड़े। तुरंत मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी नाती, हम लोग उतर के और तुरंत उनको जो है काबू में किया, बच्ची को उठाया, संभाला। पहले उसके मुंह से खून आ रहा था। मुसीबत ये रही कि अभी भी बच्ची जो है वो बच्ची और उनके माँ बाप जो है सलामत है, उनकी पत्नी को तो कोई चोट नहीं आई है। अभी शाम को लगभग 6:15-6:30 बजे कुछ लोग एक 2 साल की बच्ची को और उसके पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए लेके आए और उसका जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया जा रहा था, जिसमें बच्ची की हालत सीरियस थी, गंभीर थी। उसको हमने तुरंत प्रभाव से प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया तथा पिता की भी हालत गंभीर थी, तो हमने उसको भी तुरंत प्रभाव से प्राथमिक उपचार करके अजमेर के लिए रेफर कर दिया।